विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। न्यूज मेक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपसे बात करने आया हूं, चर्चा उस चीज की करने आया हूं, 44 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 भारत के इतिहास का वो काला धब्बा जो भारत पर लगा दिया गया। किसने लगाया, कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी और उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली। रात को 12 बजे घोषणा कर दी गई आपातकाल की, एमरजेंसी जिसे कहा जाता है। 44 साल पूर्व का वो दब्बा कोई नहीं भुला सकता, कभी नहीं भुलाया जा सकता है और भुलाया भी नहीं जाना चाहिए। क्यों भुलाए उस धब्बे को, आज की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए क्यों लगाई गई इमरजेंसी। रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जेपी ने इस्तीफे की मांग की, लेकिन वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी इंदिरा गांधी और उन्होंने देश की जनता पे, लोकतंत्र पे कुघात किया। इमरजेंसी लगाकर राज करना चाहती थी वो, 21 महीना राज भी किया। 21 महीने बाद आखिर उससे निजात मिली और आपातकाल लगने के बाद उस समय के विपक्ष के जो लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया। उसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडीज, उस समय पत्रकार को भी बोलने का अधिकार नहीं था, कुछ लिखने का अधिकार पत्रकार को नहीं था। मित्रों, यदि वो लिखता तो उसे जेल जाना पड़ता, जो सरकार के विरुद्ध बोलता उसे जेल जाना पड़ता। उस कालखंड को कैसे बुलाया जा सकता है, नहीं बुला सकते और बुलाना भी नहीं चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए उस आपातकाल के बारे में और पढ़ाया जाना चाहिए उस आपातकाल को, क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया, सत्ता के मोह भोग में लोकतंत्र की हत्या की गई थी उस आपातकाल में। इसलिए इस आपातकाल को आज 44 साल हो चुके हैं, आज इसीलिए हम उसको याद भी कर रहे हैं कि वो भारत के इतिहास में काला धब्बा हर युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए और पढ़ना चाहिए और आप इसको भूले नहीं आपातकाल को, और उस समय आपातकाल का विरोध करने वाले सभी राष्ट्रवादियों को मैं नमन करता हूं। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण जैसे राजनेता, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे राजनेता वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें 21 महीनों का कालखंड कोई भुला नहीं सकता। उस समय जिन्होंने भी उस आपातकाल का विरोध किया वो बहुत बधाई के पात्र थे, उनके कारण ही
आज लोकतंत्र मजबूत रूप से खड़ा है। नमस्कार मित्रों, देखते रहिए न्यूज मेक इन इंडिया, राष्ट्रवाद का सजग पहरी, बदलते भारत की बदलती तस्वीर है ये न्यूज मेक इन इंडिया। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि हम जो भी चर्चा करें, जो भी वीडियो डालें, सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।